पंजाब में 53 लाख परिवारों के 1200 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफ करने वाले फैसले को किसान नेता जोगिंदर सिंह उग्राहा ने पॉलिटिकल स्टंट करार दिया है। फतेहाबाद के गांव गोरखपुर में आयोजित किसान मजदूर सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे किसान नेता जोगिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में सरकार का ये फैसला लोगों को पीछे लगाने के लिए एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये मौसम कुछ देने का है, लेने का नहीं है, इसलिए सीएम चन्नी का ये फैसला बरसात के मौसम में मेंढक बाहर आने जैसा है। देखियो साथी, जो अभी सीजन है ना, सीजन कुछ देने का है। अगर इस सीजन के अंदर कुछ देंगे नहीं तो कुछ ले नहीं सकेंगे। ये मौसम है, हमारी पंजाबी में बोलते हैं, बरसात के समय पर डड्डू जो है बाहर आता है। ये बरसात का मौसम है। पॉलिटिकल लोगों को देने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को पीछे लगाने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो मौसम आ गया है, उस मौसम के आधार पर आज तक 4.5 साल में तो इनको मजदूर नहीं देखा, आज तक इनको ये चन्नी नहीं देखा कभी भी के मजदूर है, दलित है, इसको हम कोई औहदा दें। ये जो सारा स्टंट है, ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये चोन स्टंट है, चोन के लिए सब कुछ किया। वहीं पंजाब कांग्रेस में चल रही उठापटक को लेकर किसान नेता ने कहा कि फिलहाल चुनावी मौसम का दौर है और इस दौर में बहुत से लोग पार्टियां बदलते हैं और इसी कड़ी में फिलहाल पंजाब में भी पार्टी बदलने का खेल चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई ऐसी सियासी पार्टी नहीं जिसकी किसान के सपोर्ट के बगैर कोई जगह बने और आंदोलन कर रहे किसान तब तक किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते और MSP पर गारंटी नहीं दी जाती। इस समय है, इस समय हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर टूट फूट होती है। अगर कोई पॉलिसी को गेड़ा देना है, लोगों को गुमराह करना है, लोगों को धोखा देना है तो किसी को आगे किसी को पीछे करना पड़ता है। उसमें इसके अंदर टूटे फूटे भी होते हैं, रुस्ते भी हैं, कोई रूठ कर चला जाता है, कोई किसी पार्टी बदल लेता है, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन पंजाब की सिचुएशन के अंदर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, 86 पार्टियों की हालत है, वो कमज़ोर है और आंदोलन ऊपर से है, इसलिए कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं जो किसान आंदोलन की सपोर्ट के बगैर उसका कोई जगह बने। तो कोई भी किसान जथेबंदी ऐसा करने के लिए जब तक ये कानून रद्द नहीं होते, इन किसी पॉलिटिकल के साथ जब बात सपोर्ट की बात तो दूर है, बात करने के लिए क्या। बता दें कि इस दौरान धान की पराली को आग लगाने पर हर साल होने वाली कार्रवाई को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के इस बार रुख के बारे में किए गए सवाल पर किसान नेता ने कहा कि हम किसान इस बार सरकारों को 1 महीने का वक्त देंगे, 1 महीने में अगर सरकार खेतों से पराली उठा लेती है तो ठीक, वरना किसान पराली को आग लगाएंगे। फतेहाबाद से राजेश भांबू की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।